और लोग ऑस्कर इज लोडिंग अगेन एंड दिस इज सिनेमा ब्रो। सिनेमा वो सिनेमा जहां पर आपको बहुत कुछ शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती है, जहां पर असली रियलिस्टिक आर्ट को दिखाया जाता है। आपकी जो डार्क फीलिंग्स हैं, जो डार्क फीलिंग्स आप लोग जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, लेकिन उन डार्क फीलिंग्स को कैसे अपने कैरेक्टर के साथ रिप्रेजेंट करना है भाई, वो अक्विन फीनिक्स से ज़्यादा और कौन अच्छा जानता है। जोकर 2 का ट्रेलर आ चुका है और ट्रेलर इज फकिंग ऑसम। अक्टूबर में ये मूवी हमको मिल जाएगी। हार्ली क्विन के रोल में लेडी गागा लुकिंग सैवेज एंड ब्रूटल एंड टॉक्सिकनेस, वो टॉक्सिकनेस जो अब जोकर चाहता है कि अब खत्म हो जाए, क्योंकि जोकर अब ऊब चुका है या फिर उसे अब कुछ फर्क नहीं पड़ता उतना, क्योंकि उसने लाइफ में इतने रिजेक्शन झेले हैं। यहाँ पर वो लोगों को हंसाने का काम भी करता है, लेकिन बदले में लोग उसे क्या देते हैं, रिजेक्शन जो वो कभी एक्सपेक्ट नहीं करता था उनसे। हमेशा यही चाहता था कि थोड़ा सा प्यार अगर मुझे मिल जाए, क्योंकि वो अपनी लाइफ में इतना अकेला, उसको इतनी बुरी तरीके से घायल कर दिया है, इतनी बुरी तरीके से खा लिया है उसे, कि उसे कुछ अब फर्क नहीं पड़ता कि मुझे लोग फॉलो कर रहे हैं या आई डोंट केयर, मैं बस जाना चाहता हूँ, मुझे बस अपनी लाइफ में बस अकेला रहने दो बस यार, और कुछ नहीं। जो जोकर 2 के ट्रेलर में देखने को मिल रहा है वो केओस, वो सारी टॉक्सिसिटी रहे हैं कि भाई ये उसे गॉड ब्लेस है, नहीं ब्रो, क्योंकि उसके साथ ये सब हुआ है, दैट्स व्हाई कि वो यहाँ तक पहुँच चुका है। भाई बोथ कैरेक्टर्स लेडी गागा एंड जोकर लुक्स फैंटास्टिक एंड वाकिन फिनिक्स हम बहुत जानते हैं भाई सब, ये तो एक्सीलेंसी को टेस्ट करके ही करके जाएगा, लेकिन लेडी गागा जो सबका ध्यान खींच रही है, खासकर मेरा भी, कि ये हार्ली क्विन के रोल में कैसे फिट हो पाई, क्योंकि हार्ली क्विन के रोल में हमने पहले ही ये करेक्टर देख चुके हैं भाई। दर्ज का मेकर्स भाई साहब इस बार पूरा क्लियर एंड कट है कि ये जजमेंट छोड़ने नहीं वाले हैं, ये तुम लोगों को जज बनाना चाहते हैं और तुम्हारे ओपिनियंस और तुम्हारा जजमेंट लेने वाले हैं। जहाँ पर वो कोर्ट का ट्रायल वगैरह सीन चल रहा है लास्ट में, वो शायद वो क्लाइमैक्स पार्ट हो सकता है, जहाँ पर वो क्लाइमैक्स पार्ट जो फर्स्ट पार्ट में देखने को मिला था कि लास्ट में वो ऑन द स्पॉट मुरे को टपका देता है, और वही चीज भाई साहब जज के साथ देखने को मिल रही है। वो जो ऑर्डर करते हैं जिस डंडे से, जिस हथौड़े से, वो उसके सर पर मारते नजर आ रहा है जज के जोकर अपना। तो ये वही चीज कि भाई जोकर को इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने ऐसे बहुत से मोमेंट देख लिए हैं लाइफ में, आप मेरे साइड लो ना लो डजंट केयर, मुझे बस अकेला छोड़ दो, मुझे अपनी फीलिंग्स के साथ अकेला छोड़ दो, मुझे अपने चीज़ों के साथ अकेला छोड़ दो। तो भाई मेकर्स बड़ी ही ज़बरदस्त सॉलिड माइंड के साथ इस चीज़ को बनाते हैं यार, और यस मज़ा आता है इस चीज़ को देख कर। बाकी बहुत कुछ ऊपर ऊपर निकल कर जाता है, जैसा ये रिव्यू भी निकल कर गया होगा भाई, मुझे भी नहीं समझ में आया क्या क्या बोल गया, लेकिन आई एम टू मच इंस्पायर फ्रॉम द मेकर्स, क्योंकि भाई ये आपके ऊपर छोड़ देते हैं और वो एक जबरदस्त मैसेज देके जाते हैं कि यार सोसाइटी में कोई एक ऐसा बंदा हो जो दब्बू हो तो उसे इतना नहीं दबाया जाए कि बाद में वो ऐसा सैवेज और क्रूअल बनकर उभरे, क्योंकि वो इंसानियत की सारी सीमा उस पर पार हो जाएगी तो उसके पास इंसानियत ही क्या बचेगी, है ना। बाकी यहाँ तक पहुँच गए तो उसको मेरा वीडियो पसंद आया, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपने भी ट्रेलर देख लिया, आपको कैसा लगा, आपका ओपिनियन कैसा है, आपके नज़रिए से कैसा ये ट्रेलर है और क्या बातें हो सकती हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। देन उसके बाद भाई साहब हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 का दल धड़ल्ले से चल रहा है, 2 एपिसोड और बचे हैं और ये ख़त्म हो जाएगा यार, खत्म हो जाएगा भाई, फिर 1 साल के लिए वेट करना पड़ेगा। तो इस वेब सीरीज से मोहब्बत है, इसके लिए वेट करते हो तो बाबा इस पर लगातार बातें चल रही हैं, चैनल चेकआउट कर लेना, थ्योरीज, इंस्पिरेशंस, रिव्यू, ब्रेकडाउन, एक्सप्लेनेशन, बहुत कुछ भाई, बहुत कुछ। बाकी यहाँ पर इस वीडियो में भी आप देख सकते हो, बाकी मिलते रहेंगे ऐसे ही। जय हिंद।